मेरे परिवारजनों, राजस्थान की जनता का संदेश कांग्रेस के नेताओं तक भी पहुंच चुका है। यहां मुख्यमंत्री गहलोत जी को भी पता है कि कांग्रेस सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और आपने सुना होगा, इसका मेरे पास सबूत है। दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोगों को भले भरोसा न हो कि गहलोत जी जा रहे हैं, लेकिन गहलोत जी को खुद को भरोसा है कि वो जा रहे हैं। और इसलिए गहलोत जी ने भी एक प्रकार से भाजपा को बधाई दे दी है। आप देखिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री आजकल क्या बोल रहे हैं। वो अब आग्रह कर रहे हैं कि भाजपा सरकार बनने के बाद उनकी योजनाओं को बंद ना किया जाए। ऐसा कह रहे हैं वो, उनकी योजनाओं को बंद न किया जाए। तो पहले तो गहलोत जी, आपने पराजय स्वीकार कर लिया, हमारी सरकार बनेगी, ये बात को सार्वजनिक कह दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आपने जब इतना ईमानदारी से कह दिया है तो मोदी तो आपसे अनेक गुना ईमानदार है। मैं राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि भले गहलोत जी की सरकार ने योजनाएं चालू की होगी, लेकिन जनहित की किसी योजना को भाजपा सरकार बनने के बाद उसको रोकेगी नहीं, उसको अच्छा करने का, बेहतर बनाने का प्रयास करेगी। और ये मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। लेकिन राजस्थान के भाइयों और बहनों, मैं एक और बात की गारंटी देना चाहता हूं। जिन जिन ने यहां भ्रष्टाचार किया है, योजनाएं तो हम चलाए रखेंगे, सुधार भी करेंगे, लेकिन जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, गरीबों के पैसे लूटे हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई जरूर होगी। ये भी मोदी की गारंटी है। ये लोग मोदी को चाहे जितना गाली देते रहे, चाहे जितना उसकी कब्र खोदने के सपने देखते रहे, करप्शन पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। कांग्रेस सरकार का तो हाल ये है, कांग्रेस सरकार का तो हाल ये है, आपनों घोड़ो छाया में बांधनो, दूजा को फरवा दियो, यानी जनता के पैसों से अपनी तिजोरी भरो और जनता को बेहाल छोड़ दो। राजस्थान के युवाओं के साथ जो धोखा किया गया है, भाजपा उसकी तह तक भी जाएगी। यहां के पेपर लीक माफिया को, पेपर लीक माफिया, खदान माफिया सुनते थे हम, पेपर लीक माफिया, मैं राजस्थान के नौजवानों को वादा करता हूं, नौजवानों मुझ पर भरोसा करना, ये पेपर लीक माफिया का पाताल में भी जाकर उसका हिसाब किया जाएगा। मैं आपको भरोसा देता हूं,
नौजवानों के भविष्य के साथ जिसने खिलवाड़ किया है, ऐसे पेपर लीक माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्हें कड़ी सी कड़ी सजा दिलाई जाएगी।